अस्सलामुअलैकुम सासबहू चैनल, उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ठीक रखे, खैरियत से रखे, अपने जमान में रखे, खुशियां भरी जिंदगी दे, आपके बच्चों को सेहत तंदरुस्ती दे, माँ बाप के फरमाबरदार बनाए, जिनके बच्चे नहीं है अल्लाह पाक उनको बच्चे दे। आमीन सुमा आमीन। आते हैं रेसिपी की तरफ। आज की मेरी रेसिपी है वेजिटेबल सूजी की कचौरी। वेजिटेबल सूजी की कचौरी, ये देखें जी, ये मैंने ली है सूजी, जिसको रवा भी कहते हैं, सूजी भी कहते हैं। उसके बाद ये मैंने लिया जीरा, ये नमक लिया है, ये मटर है, मैंने इनको बॉयल कर लिया है, ये गाजर है, ये बंद गोभी है, ये आलू है, आलू भी मैंने बॉयल करके तो मैंने काट लिए। तो अब आपको बताते हैं कि ये कैसे बननी है। मैंने ऊपर फ्राई पैन रखा हुआ है, इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ, थोड़ा सा ही डालना है, 2 चम्मच तकरीबन। इसके अंदर जीरा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें जी, हल्का सा ब्राउन हो गया, इसके अंदर मैं डाल दूँ पानी। के अंदर डाल रही हूँ नमक 1/2 चम्मच। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें जी, पानी पकना शुरू हो गया, देखिए पक रहा है। इसके अंदर अब मैं ये जो सूजी है वो डाल रही हूँ। इसको हिलाते रहना रहमान रहीम। ये देखें जी, इस तरह की आपने कर लेनी है, बिल्कुल पानी खुश्क हो गया और ये फूल भी गई है उसी पानी के अंदर। अब इसको करेंगे ठंडा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें जी, मैंने फिर पैन पर रख दिया है, इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल दिया है। रहमान रहीम। ये देखे जी, इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ। मैंने जो आपको चीज़ें पहले दिखाई हैं उसमें प्याज मैंने नहीं रखा था, अब मैंने प्याज काटा है। इसीलिए आपको कहते हैं कि आप पूरी वीडियो देखा करो, कोई चीज़ मिस हो जाती है वो फिर हम दोबारा डाल देते हैं। तो पूरी वीडियो देखने से ही अच्छी रेसिपी बनती है, पूरी वीडियो देखा करो, लाइक ज़रूर किया करो, सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करो, बेल के बटन को भी दबा दिया करो, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। मैंने रहीम। ये देखें जी, प्याज इसी तरह आप थोड़ा सा सॉफ्ट कर लें, थोड़ा नरम सा हो गया ये। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ गाजरे, गाजरे उबाली नहीं है, बाकी हर चीज़ जो है वो पहले मैंने बॉइल कर ली है, गाजरे नहीं की, इसलिए पहले डाल रही हूँ कि ये थोड़ी हो जाएगी साफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नमक डाल रही हूँ, 1 टीस्पून नमक डाल दिया मैंने, आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालना है, कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है। कुछ हुई जो होती है ये लाल मिर्च वो डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए, ये मैंने आलू डाल दिए हैं, ये बंद गोभी काटी हुई थी वो डाल दी है। ये जो मटर थे वो डाल दिए, ये मैंने कुछ धनिया पीसा हुआ वो डाल दिया, जीरा पीसा हुआ वो डाल दिया।
बराबर है। ये देखिए जी, इस तरह इसको आपने अच्छी तरह पका लेना, तो ये पक गई है। तो अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इस तरह हल्का हल्का ही, ताकि ये जो स्टफिंग बनी है ये अंदर से आसानी से अंदर रखी जाए, निकले। इस तरह आपने मैश करना, सेका नहीं। ये देखें, जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा कर लिया मटरों को भी, और ये देखें हो गया। बस ये हो गई। इसको थोड़ा सा हाथ से आपने अच्छी तरह मसल लेना, हाँ वो ठंड हाथ से लगा लो। फिर जी इस तरह आपने आटा लेना है, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, हाथ से ही आपने इसको इस तरह बड़ी कर लेना। ये देखें बड़ी हो गई, बस इतनी एक मोटी और बड़ी कर लेना। ये देखिए जी, एक मैंने पहले बना के रखी है, और एक ये है। ये देखें इसको पकड़े, इसके अंदर इसकी ये स्टफिंग जो बनाई है, ये इस तरह आपने डाल लेनी, और इसके ऊपर ये दूसरी रख के देखिए इस तरह आपने इसको बंद कर देना। हाथ के साथ साथ आपने इसको इस तरह बंद करते जाना, इस तरह बंद कर देना। ये देखिए इस तरह से, ये देखें जी, कुकिंग ऑयल गर्म हो गया, उसके अंदर मैं इसे डाल रही हूँ। रहमान रहीम, ये देखें जी, इस तरह इनको फ्राई करना है। रहीम, ये देखें जी, इनको इस तरह ही आपने फ्राई करना है, जिस तरह ये की है। इतनी मैंने इनकी साइड भी बदल दिया, थोड़ा सा इनको और मैं करूँगी जरा थोड़ी। ये देखें जी, वेजिटेबल पूड़ी, वेजिटेबल सूजी की पूड़ी बहुत मज़े की बनती है, बड़ी खस्ता बनती है। ये देखें बहुत खस्ता है ये, तो आप जब खाएंगे तब आपको पता चलेगा कि बना के ये कैसी है और कितनी मज़े की बनी है। बहुत मज़े की बनती है ये, अंदर से भी पकी हुई है पूरी। आप भी इसी तरह बनाएं, बना के खाएं। ये एक चीज़ें हैं, नई नई चीज़ें हैं, आप इनको ट्राई किया करें। 4 बजे की चाय के साथ इस तरह की चीज़ें चलती हैं, बनाएं खाएं मज़े करें इंजॉय करें। और जो न्यू है मेरे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो सब्सक्राइबर है लाइक करें शेयर करें प्लीज़, पूरी वीडियो देखा करो। इसमें भी मैंने कई चीज़ें बाद में डाली हैं जो मैं पहले भूल गई थी और बाद में मैं डालती रही हूँ, तो आप इसलिए पूरी वीडियो देखा करो, देख के फिर बनाया करो। तो दुआओं में याद रखा करो, फिर मिलेंगे किसी ऐसी नई रेसिपी।